देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। हमारे चैनल में विज्ञापन देने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज़ैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद कार्ता कदम ने आज दिल्ली मार्ग स्थित जगदम्बा हॉस्पिटल में पोस्ट कोविड सेंटर का उद्घाटन किया। राज्यसभा सांसद कांता कर्दम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस पोस्ट कोविड सेंटर पर उन लोगों को मदद दी जाएगी जिनको कोरोना से उबरने के बाद किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या आ रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से महामारी के इस दौर में जनता के साथ है। उन्होंने बताया कि पार्टी द्वारा 21 जून को मंडल स्तर पर योग दिवस का आयोजन किया जाएगा जिससे लोग योग के प्रति जागरूक हों और स्वस्थ एवं निरोगी रहें। डॉक्टर नीलू राणा महानगर मंत्री भाजपा ने कहा कि संगठन की ओर से जनपद सहारनपुर की जिला समन्वयक पोस्ट कोविड सहायता केंद्र माँ जगदम्बा हॉस्पिटल में बनाया गया है जो आम जनता को कोविड के बाद होने वाली समस्याओं के निदान के लिए बनाया गया है और ऐसे सहायता केंद्र प्रत्येक जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए गए हैं। NBD से शारिक जफर की खास रिपोर्ट। न्यूज देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मैं डॉक्टर नीलू राणा माँ जगदम्बा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की डायरेक्टर हूँ और महानगर में मेन बॉडी में भाजपा में मंत्री हूँ। आज हमारे यहाँ पोस्ट कोविड केंद्र का उद्घाटन किया गया जिसमें पोस्ट कोविड के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट के साथ आ रहे हैं उसके लिए एक मुहिम भाजपा की तरफ से चलाई गई है कि प्रत्येक जिले में सेंटर्स खोले जाएँ जिनको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन हेल्प डेस्क का नाम दिया गया है। तो उसी के उस उपलक्ष्य में आज हमारे यहाँ ये सेंटर का उद्घाटन हुआ है। मैडम, ऑक्सीजन को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? ऑक्सीजन के लिए इस समय तो पूरी व्यवस्था है और इस समय जनरल पेशेंट्स हैं, कोविड के कोई भी पेशेंट नहीं है, लेकिन कोविड के बाद जो समस्याएं आ रही हैं उसके लिए हम लोग तैयार हैं। तीसरी लहर आने वाली है उसके लिए किस तरह से तैयारी है? तीसरी लहर के लिए सरकार से हम लोगों को मिली है जानकारी कि आप लोगों को पूरी तरीके से तैयार रहना है। हमारे यहाँ 4 वेंटिलेटर हैं, 4 बाईपैप हैं और बच्चों के लिए भी अलग से व्यवस्था दूसरे फ्लोर पर कर दी गई है। और अगर आती है, भगवान ना करे कि कुछ इस तरीके का आए, लेकिन सरकार ने सभी को सूचित कर दिया है और सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है इसके लिए और हम लोग प्राइवेट संस्थाएं जितनी भी हैं वो लोग भी सरकार के साथ पूर्णतया खड़े हुए हैं। मैडम, ज्यादातर देखा जा रहा है वेंटिलेटर की एम्बुलेंस की सर्विस है पूरे सहारनपुर में नहीं मिलती है मरीजों को, इसलिए जी क्या कहें? इसके लिए थोड़ा सा हम भी सरकार को भेज रहे हैं, हमने उत्तर प्रदेश सरकार को भी भेजा है और वेंटिलेटर की जो एम्बुलेंस है वाकई में कम है। एक तो हमारी कोई संस्था है, NGO है, वो चलाती हैं, एक दो और हैं तो बहुत कम है, उन्हीं के ऊपर फोकस किया जा रहा है। CMO सर जो नए आए हैं उन्होंने भी कहा है कि एम्बुलेंस को बढ़ाने के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ क्या है कि ये जगदम्बा हॉस्पिटल है, इसके विषय में सभी जानते हैं, सबको जानकारी भी है। जब कोविड की महामारी आई तो हम लोगों ने बहुत सहयोग भी लिया यहाँ पर। ऐसे कई हॉस्पिटल हैं जो आगर आए, जो कोविड के जो पीड़ित लोग हैं उनको इलाज देने में उनका बड़ा बहुत सहयोग रहा, उसमें एक ये जगदम्बा हॉस्पिटल भी है। नीरू राणा इसकी ऑनर हैं, यहाँ की हैं, अभी क्या हैं, डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर हैं यहाँ। तो यहाँ क्या है, वैक्सीनेशन चल ही रहा है और सारी जगह भी चल रहा है, तो ये भी एक यहाँ वैक्सीनेशन का एक यहाँ सेंटर बनाया गया है यहाँ पर है। तो इनका भी सहयोग लिया जाए जिससे कि यहाँ आसपास रहने वाले हैं उनको आसानी से सुविधा मिल सके और वो वैक्सीनेशन वो करवा सकें। मैडम, कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आप देख रहे होंगे कि हम लोग जो है तीसरी लहर के बारे में भी सचेत हैं, बिल्कुल उस तरह की तैयारी भी सब जगह चल रही है और इस अभियान में पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, चाहे सांसद हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे पूर्व में सांसद विधायक रहे हों, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष, पूरी टीम भाजपा की है, सभी सब लोग लगे हैं इसी में कि आने वाली जो तीसरी लहर की जो चर्चा हो रही है, जो आशंका है कि आ सकती है, तो उसकी तैयारी के लिए लग रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं लगातार है। और जो हमारे जो स्वास्थ्य जो हमारे सेंटर हैं उनको भी गोद में लिया है, वहाँ सामुदायिक केंद्र है, स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र भी है, तो वो भी गोद लेने का काम है। तो ऐसे सभी जगह में तैयारी हुई चल रही है। अभी मुझे लग रहा है कि अगर हम देश भर की बात करेंगे तो 27 करोड़ से ऊपर का ये चला गया है, यहाँ पर वैक्सीनेशन हो चुका है। तो सहारनपुर में भी 2.5 लाख समथिंग यहाँ हो चुका है और आगे भी ये है हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा
यहाँ मतलब वैक्सीनेशन हो सके। कई लोग क्या है, डरे हुए लोग हैं, थोड़ा सा डराने का भी कोशिश लोग कर ही रहे हैं। पहले से आप देखा होगा कि जिन लोगों को आगे आना चाहिए, सहयोग करना चाहिए था, वो लोगों ने भड़काने का काम किया है कि वैक्सीन से दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी है। और नहीं तो वैक्सीनेशन बहुत आगे पहुंच गया। शुरू में आपने देखा होगा जब वैक्सीन आई तो लोगों ने इसके खिलाफ बहुत प्रचार करना शुरू कर दिया, दुष्प्रचार करा, कि जिसका नतीजा ये निकला कि वैक्सीन जो है हमारी बहुत खराब गई। और आज क्या है, बहुत जागरूकता भी आई है, लोग देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और मीडिया के माध्यम से भी ये प्रचार भी हो रहा, समझा भी रहे हैं। तो आपके माध्यम से भी ये घर घर तक, जन जन तक जो है ये जा रहा है। जो वैक्सीनेशन है यही हमें सुरक्षा दे सकती है, ये हमें बता सकती है। कोविड सेंटर का उद्घाटन था, ये उद्घाटन भी था यहाँ, कोविड सेंटर का भी उद्घाटन था यहाँ। तो सभी जगह यहाँ पर काफ़ी सारे सेंटर यहाँ बनाए गए हैं, और चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, तो ऐसा जो जितने भी बूथ स्तर हैं हमारे, बूथ स्तर पर भी ये अभियान ये चल रहा है। और ये अभी 6 महीने तक ये अभियान इसी तरह चलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो वैक्सीन लग सके।